माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वृत्त किस प्रकार से होता है, वृत्त किस प्रकार से सॉल्व होता है, वृत्त को सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करते हैं, वृत्त किस किस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है, वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त के साथ अर्ध वृत्त पढ़ेंगे और त्रिज्यखंड पढ़ेंगे, त्रिज्यखंड के साथ हम लोग वृत्तखंड भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी मैं आपको साथ के साथ डिक्टेट करता जाऊंगा। आपको कोई भी समस्या हो तो आप इस वीडियो को देख के अपने जो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वृत्त, वृत्त हमारा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त हमारा एक ऐसे बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक ही समतल में होता है, मतलब एक ही प्लेन में होता है और एक किसी निश्चित बिंदु से, फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स डिस्टेंस पर होता है, एक निश्चित दूरी पर होता है। जैसे कोई भी वृत्त बना लीजिए, ये हमारा वृत्त बन गया, इसमें एक ये निश्चित पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं केंद्र, और इस पॉइंट से ये सभी दूरियां सब बराबर होती हैं। तो इस ये जो दूरी होगी इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है। इस प्रकार से जो ये पूरा एक समुच्चय बनता है, इन बिंदुओं को मिला के जो ये समुच्चय बनता है, ये हमारा एक वृत्त कहलाता है। वृत्त की ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, केंद्र को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस, और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर हमारी कैपिटल भी हो सकती है, छोटी कैपिटल स्मॉल कैसी भी हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सेंटर होता है, ये हमारा सेंटर होता है, और इसकी ये जो पूरी लंबाई होती है, जो ये बाहर की पूरी लंबाई होती है, इसको हम लोग परिधि कहते हैं, परिधि मतलब पेरिमीटर। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है पेपर में, जो जो चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहले आप निकालते हैं इसमें परिधि, परिधि, परिधि को हम लोग कहते हैं पेरिमीटर। ये वैल्यू होती है हमारी 2πr, 2πr। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, क्षेत्रमिति में कोई भी क्वेश्चन हो, पाई का मान हमेशा पाई का मान हमेशा 22/7 का ही प्रयोग किया जाता है। जब तक आपसे कहे ना कि पाई बराबर 3.14, तब तक आप पाई का मान 3.14 यूज नहीं करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है कि पाई का मान 22/7 ही प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है तो आपको पाई का मान 22/7 ही प्रयोग करना चाहिए। तो हम जानकारी के लिए लिख देते हैं पाई बराबर होता है 22/7, ठीक है। अब ये परिधि हो गई, परिधि के बाद इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है हमारा एरिया। इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, सही है। अब मैं आपको इसमें थोड़ी और जानकारी देना चाहता हूं, जैसे अगर कोई भी ऐसी रेखा जो इसके केंद्र से होके जाए, तो ये जो रेखा बनेगी, ऐसी रेखा जो केंद्र से होके गुजरे और वृत्त के दो
बिंदुओं पर दो, ये परिधि के दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करे, काटे या प्रतिच्छेदित करे, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं व्यास। ये व्यास, व्यास हमारा होता है डायामीटर। इसको हम लोग ठीक से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वैल्यू हमारी दो गुणा आर होती है, त्रिज्या की दुगनी। ये हमेशा त्रिज्या की दुगनी होती है। व्यास को हम लोग एक दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है, जो हमेशा केंद्र से होके गुजरती है। इस चैप्टर को हम लोग अभी केवल क्षेत्रफल के नजरिए से पढ़ रहे हैं। ये वृत्त का चैप्टर हम लोग ज्योमेट्री के नजरिए से भी पढ़ते हैं, जिसमें कोणों का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें हम केवल आपको क्षेत्रमिति के अनुसार, मेंसुरेशन के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा वृत्त। अब इसका अगर हम इसको बीच से काट दें तो ये अर्ध वृत्त बन जाएगा। अर्ध वृत्त, इसकी ये त्रिज्या आर हो जाएगी। ये त्रिज्या आर है, ये सब त्रिज्या आर 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 होती है। इसको हम लोग कहते हैं अर्ध वृत्त, सेमी सर्किल। इसको हम लोग कहते हैं सेमी सर्किल, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग परिधि निकालेंगे। इसकी परिधि होती है हमारी, परिधि मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर होती है हमारी 2 पाई। देखिए 2 पाई आर होती है, तो इसको आधा कर देंगे तो ये पाई आर होगी। प्लस जो ये वैल्यू है, ये देखिए, ये भी लंबाई इसमें शामिल हो जाएगी, तो ये आर प्लस आर मतलब 2 आर। इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी आर प्लस पाई प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया कितना होगा, इस पूरे वृत्त का आधा कर दीजिए तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का आधा है। इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग करेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड हमारा होता है सेक्टर, ठीक है। ये त्रिज्यखंड हमारा सर्किल का ही एक भाग होता है। जैसे सर्किल हमारा इस प्रकार से है, इसमें से कोई भी एक हिस्सा आप काट लीजिए जिसकी त्रिज्या आर आर है, ठीक है, तो इसकी एक ये लंबाई निकलेगी। ये परिधि की लंबाई होती है जो इसका, इसके द्वारा काटा गया जो ये सेक्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं एल। एल मतलब आर्क, एल इसको हम लोग कहते हैं आर्क, आर्क मतलब चाप, ठीक है। ये तो हमारा केंद्र होता है। अब देखिए, सबसे पहली बात, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। ये पोर्शन हमारा कहलाता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्याओं से मिलके बना खंड होता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी परिधि निकालेंगे, तो त्रिज्यखंड की
परिधि बराबर होती है, इसको हम लोग कहेंगे पेरीमीटर ऑफ द रज्जुखंड, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। ये वैल्यू हमारी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ये लंबाई तो L, ये लंबाई L प्लस ये प्लस ये 2R, ठीक है। इसके लिए हम आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी बताते हैं। अगर मान लीजिए इसका एंगल आपको देता है थीटा, थीटा, तो एल बराबर हो जाता है हमारा 2πr इंटू ये पूरा एंगल कितना का होता है 360 का, तो थीटा बाई 360, थीटा बाई 360। यदि एंगल आपको दिया हुआ है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 2πr इंटू थीटा बाई 360। इसमें हम इस वैल्यू को काटेंगे नहीं, काटने से क्या होता है 180 हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन इस तरीके से इसको याद रखना समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये पूरा ये 360 होता है प्लस 2r, तो इस की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर ये वैल्यू होती है हमारी, किस प्रकार से करेंगे इस थीटा का प्रयोग बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग करेंगे, पूरे सर्किल का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये सेक्टर की बात कर रहा है तो हमको कुछ नहीं करना, थीटा बाई जितना एंगल है उतने का मल्टीप्लाई कर देना है इंटू थीटा बाई 360। ये बहुत आसान है, आपको इसी तरीके से करना है सॉल्व। और आपका ये एंगल कुछ भी हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं इसको सॉल्व। अगर आपको पेपर में इस चाप की लंबाई दे दे तो आप इसकी जगह पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/2 चाप इंटू त्रिज्या, चाप इंटू त्रिज्या, चाप मतलब 1/2 एल इंटू आर, ये पूरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको चाप की लंबाई दे रहा है तो आप चाप की लंबाई यूज कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है फॉर्मूला यूज कर लीजिए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, आप लोग इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, वृत्त खंड इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट सेगमेंट किस प्रकार से करते हैं, सेगमेंट बहुत आसान है, एक वृत्त बना लिया, इसमें ये केंद्र हो गया हमारा, इसमें कोई भी एक जीवा खींच लीजिए, जीवा होती है जो परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला के बनाई जाती है, ये जीवा होती है, जीवा मतलब कोण। इसमें इस पूरे वृत्त को हम दो भागों में बांट देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड मतलब माइनस सेगमेंट, और ये हमारा कहलाता है दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, इसको हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग अब
देखिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें अगर ये वाला एरिया निकालना है तो पहले ये पूरा एरिया निकालेंगे, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर आर, तो ये जो पूरे एरिया में से अगर हम इस त्रिभुज का एरिया घटा दें, इस एंगल को मान लीजिए थीटा है दिया हुआ है आपको, तो इस का एरिया निकाल के इस पूरे सेक्टर के एरिया में से घटा दें तो ये हमारा आ जाए। तो चलते हैं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या चीज होती है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा जो इस वृत्त खंड के अंदर बना है, इस सेगमेंट इस सेक्टर के अंदर बना है, इस सेक्टर के अंदर ये त्रिभुज बन रहा है, ये आपका क्या है लघु वृत्त खंड या वृत्त खंड, तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। अब किस प्रकार से निकालेंगे, इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 माइनस करेंगे इस त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया कितना होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं जिसका यूज करके आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ये एंगल है ठीक है। अगर हमको छोटे वाले वृत्त खंड का एरिया दिया हुआ है और बड़े वाले वृत्त खंड का एरिया पूछ रहा है, तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त खंड का एरिया घटा के इस दीर्घ वृत्त खंड का एरिया निकाल सकते हैं ठीक है। अब हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए पहले ये वाली लंबाई निकालिए, ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 2πr(θ/360, हमने पहले ये वाली लंबाई निकाली। अब इसके बाद इस लंबाई को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 2r sin θ/2 2r sin θ/2 इस वैल्यू का डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग इसकी पेरिमीटर निकालने के लिए ठीक है। देखिए जिस तरीके से क्षेत्रफल में इसका यूज हुआ है उसी तरीके से हम लोग उसमें थोड़ा सा चेंज करके पेरिमीटर में यूज कर सकते हैं। इस पर आप पेपर में एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एसएससी सीजीएल यूपी पुलिस रेलवे यूपी टेट और सीटेट वगैरह से यूपी पॉलिटेक्निक से अच्छे अच्छे एग्जाम्स से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। आप प्रत्येक क्वेश्चंस को देखिए, पूरी वीडियो को समझने की कोशिश करिए, मैंने आपको पूरी जानकारी दी है जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी इसका बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।